हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजार में खमन ढोकला के साथ मिलने वाली खमन से बनी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार लीजिए, उसमें जाएगा 2 हरा मिर्च, फिर उसमें जाएगी चीनी, नमक, हरा धनिया। यहाँ पे मैंने 1 कप जितना कटा हुआ धनिया लिया है, क्योंकि मेरे घर में सबको ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। पर मार्केट जैसी दिखने वाली चटनी बनानी है तो आपको हरा धनिया 1/4 कप ही डालना है, जिससे कि चटनी का कलर ग्रीन की बजाय येलो आएगा। अब हम इसमें निचोड़ेंगे 1/2 कटा हुआ नींबू। अब उसमें जाएगा 1 से 1.5 कप जितना खमन। अब हमें इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी मिला के पीस लेना है। यहाँ पे पानी आपको इतना डालना है जिससे कि आपकी चटनी की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहे। बाजार जैसा परफेक्ट खमन ढोकला बनाने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करना जिससे मेरे नए वीडियोज़ आप देख पाए। अगली बार मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।